Hey guys, welcome back बैक टू channel. चैनल am गोयल फर्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी एवरी everyone. तो मैं जन्माष्टमी के लिए ये बनाना चाहती थी एंड मैंने इसे बनाया बट मैं आज इसको अपलोड क्यों कर रही हूँ पहले क्यों नहीं किए वो रीज़न आपको आगे जाके पता चलेगा इसके लिए एम डी एफ बोर्ड मैंने मंगाया हुआ था ये एक्चुअली मैंने मंगाया नहीं था ये मुझे लोकली मिल गया था आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा इसको मैं क्ले के क्ले से बना रही हूँ एंड क्ले में ये है कि आपको दो जो पार्ट होते हैं इसके रेजिन और हार्डनर ही बोलते हैं इसको भी तो दोनों को इक्वली लेना है तो ये पूरा जो वीडियो रहेगा वो, वो रहे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन रहेगा सबका ब्रीफ रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं है तो आप इसको एंड तक देखोगे तो अगर आप बिगनर हो तो ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा दोनों को मिक्स कर लेना हाथ से ही अच्छे से ठीक है आप चाहो तो ग्लव्स पहन सकते हो मैं नहीं पहनती क्योंकि मेरे को प्लेन हाथ से करने में ज़्यादा सुविधा होता है ओके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं लेकिन ये जो है बिगनर के लिए बिना टूल के अगर आपके पास टूल नहीं है तो इसमें मैं ना टूल यूज़ की हूँ ना मैं इसमें कुछ पाउडर यूज़ की हूँ मैं नॉर्मली अपने हाथ से बना रही हूँ आप देख सकते हो तो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बना सकते हो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप देख सकते हो मैं इसको मिला के एकदम पतला प्लेन बना रही हूँ ताकि मैं उसके जो आउटलाइंस है ऑलरेडी बने हुए मैं उसमें कर सकती हूँ एंड अगर आपके पास आउटलाइन नहीं है तो एक बहुत इजी तरीका है आप एक तो बोर्ड ले लो अगर आप चाहो तो पेपर में प्रिंट करवा के उसके ऊपर आउटलाइन बना सकते हो खुद से भी तो जब आप चिपकाओगे उसको आपको चिपकाना है फेविकोल से याद रखना आपको फेविकोल से चिपकाना है अगर एक मौज फौज ग्लू आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन फेविकोल बहुत ही मतलब इजीली आपके पास अवेलेबल रहेगा एंड उससे चिपका सकते हो तो डायरेक्टली अगर आप रखते हो तो वो सही से नहीं चिपकेगा फेविकोल यूज़ कर लेना ठीक है फेविक्विक मत करना फेविक्विक से बहुत ज़्यादा यू you नो know, मैसी हो जाएगा वो चीज़ आपको चिपकाने में प्रॉब्लम होगी तो आप फेविकोल यूज़ कर लेना नॉर्मली देन आप थर्माकोल कटर या फिर चक्कू जो आपके घर में है उसको यूज़ करके कट कर सकते हो आपको टूल की जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़रूरत नहीं है तो मैं नॉर्मली आपको इसलिए दिखा रही हूँ ऑलरेडी मेरे पास टूल है लेकिन ये बिगनर्स के लिए याद रखना है बिगनर आप जब पहली बार बना रहे हो तो बहुत इजीली आप बना सकते हो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप देख सकते हो जो उंगली में लग रहा है वो इजीली आप ले सकते हो थोड़ा सा हैंड वॉश में थोड़ा नमक डाल के रगड़ोगे तो साफ हो जाएगा या फिर स्क्रब जो आता है उसे करोगे तो ठीक हो जाएगा ठीक है अब इसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर देती हूँ ज आप समझ गए कैसे लगाना है बाकी किस तरीके से लगाना है ये आपके ऊपर है तो मैं पूरा क्ले लगा देती हूँ पूरा क्ले लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है श्री कृष्ण में मैंने मैं लगा दिया मैंने आँखों को छोड़ दिया है आँखों को छोड़ने का रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहती कि ना इतना ज़्यादा भी उसमें मैं मोटा करूँ उसको एक पतला सा रहता है वो सुंदर से मैं जब कलर करूँगी तो वो अलग से और दिखेगा ठीक है उसको मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना चाहती हूँ इसलिए मैंने आउटलाइन सारे कर दिए आँखों को नहीं किया है सिमिलरली मैं राधा जी का भी बनाओगी वैसे ही एंड आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप जितना ज़रूरत है एक बार में उतना ही मिलाओ आप बार बार मिला सकते हो इसमें मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है तो आप क्ले को उतना ही मिलाओ क्योंकि वो बहुत देर रखे रखे सूख जाता है ठीक है अगर आप बीस मिनट तीस मिनट कर रखे रहते हो तो सूख जाता है और ख़राब हो जाएगा राधा माँ का भी मैंने कर दिया है राधा जी का तो इसमें मैंने देख लीजिए आप किस किस चीज़ों में क्या है ये आपके ऊपर है आप पूरा करना चाहो पूरा कर सकते हो मैंने इनकी भी आंखों को नहीं किया है ये जो मोती वाला है उसमें मैं डायरेक्टली मोती लगाऊंगी ओके इसके बाद बात है जैसो की यूज़ करने की इसको एक बेस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आप जब कलर करो तो वो उभर के अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप जो एक्रेलिक पेंट जब आप करेंगे उसमें जो वाइट कलर है आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे यूज़ कर सकते आप नॉर्मली रफ यूज़ करो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ये सूख जाता है जैसे अगर आँखें आपको नहीं दिख रही हैं तो जब ये सूखेगा तो आँखें आपको दिखेंगी ओके तो मैंने अच्छे से यूज़ कर दिया है उसको हर कॉर्नर में लगाना क्ले के ऊपर भी अच्छे से लगा देना ठीक है कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए एकदम अच्छे से लगा लो और जैसो यूज़ करने में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता डायरेक्टली आप जैसो को यूज़ करते हो एंड जैसो का डब्बा आपको बंद करके रखना है जैसो का डब्बा भी आप खुला नहीं रख सकते ये चीज़ मेरे भैया ने मुझे बताया वो एक आर्टिस्ट है एंड उन्होंने मुझे बताया कि जैसो को आप जब लेते हो तो एक स्टिक से किसी चीज़ में निकाल लो जितना आपको ज़रूरत है बाकी को आप डब्बा को बंद करके रख दो क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला देर रखने से वो सूखने लग जाता है ओके उसके बाद जैसो मैंने लगा दिया है अब इसकी बारी है सूखने की इसको सूखने दो सूख गया है ये अच्छे से अब इसके बाद बारी आती है कलर करने की कलर मैं इसमें एक पैलेट ले लूँ जिसमें आप कलर मिक्सिंग कर सकते हो आराम से कलर मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक क्रिल ठीक है आप दूसरा कुछ वाटर कलर वगैरह यूज़ करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको और बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लाई यू नो ये एम डी एफ बोर्ड है इसमें ना दिखेगा पीछे से तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी फेब्रिक क्रिल का ना छः पीस वाला डब्बा भी आता है वो ले सकते हो उसके साथ आप कलर मिक्स कर लो मैं इसमें पिंक और ब्लू मिक्स करके पर्पल शेड बनाई हूँ आप कुछ और शेड कर सकते हो एक चीज़ बिगनर के लिए यह है कि आप बहुत सारे शेड यूज़ मत करना अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो या सेकेंड टाइम है तो मतलब एक आध बारी बनाए हो ज़्यादा नहीं बनाए हो तो एक या दो शेड लो ज़्यादा मत लो क्योंकि ऑलरेडी यू नो एक ये एनिमेटेड टाइप का लुक है ये ठीक है तो अगर इसमें एक भी करोगे तो बहुत सुंदर लगेगा मैं इसमें दो कर रही हूँ पिंक और पर्पल दोनों को एक शेड देने के लिए बाकी आप अगर एक भी करते हैं तो काफ़ी सुंदर है आपको इसको क्ले के ऊपर भी करना है क्ले छोड़ना नहीं है पूरा क्ले के ऊपर अच्छे से करना है तो इसको पूरा कंप्लीट करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है राधा में जी राधा जी में भी मैंने पिंक और स्किन कलर ही किया है अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो क्योंकि मैंने कहा ये ब्रीफ है ठीक है ये पूरा डिटेल वीडियो नहीं है तो अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो अब बीच में करने की बारी है दोनों फेसेस तो हो गए हैं बीच में करने की बारी है तो उसको मैं कर रही हूँ लाइट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ मैं तो स्काई एंड वाइट कलर है अब बारी है इसमें मोती ऐड कर आ, मोती ऐड करने की लेकिन मोती ऐड करने से पहले वार्निश ऐड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आपका जो पेंट है वो सिक्योर हो शाइन आए अगर आपके पास ये नहीं है तो एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो लेकिन ये है तो आप डेफिनेटली यूज़ करो इसको तो इसको आप बस आ, कुछ ड्रॉप्स डाल के इसको फैलाना है ज़्यादा कुछ इसमें आ, तीर मारने जैसा नहीं होगा अगर आपको नॉर्मली बस यूज करना है इसको मेक श्योर sure आप कोने कोने में अच्छे से कर दो एकदम सुंदर तरीके से सब तरफ हो गया नाउ इट्स शेक्योर ठीक है अब बारी है इसमें मोती ऐड करने की मोती आप वार्निश के बाद ही करना मेरा यही सजेशन है बाकी ये आपके ऊपर है आप इसको कैसे भी कर सकते हो मैंने छोटे वाले वाइट पर्ल्स ले लिए हैं वाइट पॉल लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेविकोल का इस्तेमाल करो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मौज फौज ग्लू है तो वो यूज़ कर लो तो फेविकोल मैं यूज़ कर रही हूँ फेविकोल को मैं क्या कर रही हूँ एक जगह थोड़ा सा डाल दी हूँ ताकि बहुत पतला सा मैं ब्रश से लेके यूज़ कर सकूँ तो मोती के जितना मुझे लगाना है बस एकदम हल्का हल्का कर रहे हो ताकि बहुत ज़्यादा फैले नहीं आपको ये भी याद रखना है कि जब आप क्ले लगाते हो तो ग्लू लगाते हो तो वो सूख जाता है क्योंकि वो तब दिखेगा नहीं लेकिन आप पेंट के ऊपर ग्लू नहीं लगा सकते वो ख़राब दिखेगा अब इसमें पूरा अच्छे से मोती मैं लगा दूँगी पूरा वैसे ही करके बाल में जो जाएगा मांग टीका का उसमें भी मैं पूरा अच्छे से लगा दूँगी कि कितना सुंदर लग रहा है ये रिया, रियलिस्टिक टाइप का लग रहा है देखो दोनों में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है अब ये अब बारी है ज्वेलरी में करने की ज्वेलरी में मैं कन्हैया का माँ का सब का वैसे ही करूँगी अब मेरे पास क्रिस्टल्स थे ग्लिटर क्रिस्टल्स थे अगर आपके पास आ, गोल्डन कलर है आप गोल्डन कलर कर सकते हो आपकी मर्ज़ी फिर उसके बाद वैसे ही मैं इसमें फेविकोल लगा रही हूँ पतला सा एकदम एकदम लाइटली और उसके बाद मैं ग्लिटर को लेके उसके ऊपर लगा दूंगी ठीक है ये आप कम्प्लीटली आपके ऊपर आप गोल्डन कलर कर सकते हो अगर आप ऐसे छोड़ना चाहें तो वैसे भी छोड़ सकते हो अगर आप कलर से ही सिर्फ कुछ करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो अगर आप कुछ उसमें चिपकाना चाहते हो स्टोन वगैरह तो वो भी कर सकते हो तो वो कम्प्लीटली ऑप्शनस जो है वो आपके हैं मुझे बस ग्लिटर करना था ताकि वो शाइन करे जब मैं रखूँ तो वो डेफ़िनेटली कर रहा था एंड जो मुझे चाहिए था तो वो इफेक्ट मुझे मिला बाकी ये आपके ऊपर है अगर आपको पूछना है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में तो जिस तरीके से मैंने इनके कान का किया है वैसे ही मैं टीका और नथ जो पहने हैं और जो इन्होंने पल्लू लिया है उसके बॉर्डर को साथ साथ कृष्ण भगवान के जो कुंडल है उनको और गला है गला का है वो सबको सबको ग्लिटर से कर दूँगी आप चाहो तो कुछ कुछ चीज़ों को ही कर सकते हो और साथ साथ जो कृष्ण भगवान ने माथा में लगाया हुआ है चंदन उसको भी तो आप देख सकते हो कितना सुंदर इफेक्ट आया है ये बहुत प्यारा लग रहा था फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको अपने घर के कृष्ण भगवान को दिखाती हूँ ये है मेरे कान्हा ये मैंने डेकोरेशन किया है पूरा आई होप ये आपको अच्छा लगा हो इसलिए मैंने आज पोस्ट किया है इसको तो ये है फाइनल लुक दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट एंड इतना प्यारा लग रहा था मुझे तो मोहब्बत हो गई दोनों की आँखों से खास कर की क्योंकि आप देख सकते हो कि इतना सुंदर है सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो नॉलेजेबल लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय